अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। ऐसी ऐसी कहानियां फिर उनके साथ जोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि जी एक और बंदा उठा, वो कहता है जी देखे जी आजकल बहुत खतरनाक दौर आ चुका है कि लोग बुजुर्गों से मुतनफर करवा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। सिखाया ये जा रहा है कि पीछे जितने बुजुर्ग गुजरे थे सारे गलत थे। सही सुना आपने, लोगों के दिलों में शकूक पैदा किए जा रहे हैं। शकूक ये कहना जी नीता तो नीयत ते शक है, कोई शक नहीं जी, यकीन है कि पूरी नेक नीति नाल काम पाया उन्होंने। अगर 1000 साल पहले गुजरने वाला बाबा दीन पे दीन की तबलीग करने वाला वही ठीक नहीं था। ओए तुहाड़े 1000 साल दे बुजुर्गों नूं पता ही नहीं लगा तुहाड़ी किताबें च की कूड़ लिखिया होया, कुफर लिखिया होया, तो आज का मुल्ला और पंडित कैसे ठीक हो गया? मौलवी सारे इको जे ने, भावे पादरी होण पंडित हो। तुमने कहां से ये दीन लिया? आले तक नहीं तुहानूं पता लगा? तू कैसे ठीक हो गया? आप क्या समझते हैं ऐसा है? ये फैलाई जा रही है चीजें, बुजुर्गों से मुतनफर कराया जा रहा है, जिन बुजुर्गों ने कलमा पढ़ा के इन लोगों को मुसलमान किया। और ये खूबी ये बता रहे हैं भाई, अगर ये खूबी है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तो सुल्तानुल हिंद डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों नहीं मान लिया? वो तो गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तकलीफ काटनी पड़ रही है, और नहीं कलमा तो पढ़ाया लेकिन कीदे ठीक नहीं, तुहाडे बाबे ने भी कीदे ठीक नहीं। चिश्ती रसूल्ला पार्टी है, अशरफ अली थानवी रसूल्ला पार्टी, उर्दू एक हो गए ना।